सो हेलो गाइस, दिस इज महापुज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापुज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। तो मैं 10 दिन पहले मेरे गांव में आ गया। आज पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ अपने गांव में। तो मस्त लग रहा है मेरा गाँव बहुत दिनों बाद, लगभग 6 महीना बाद आया और पहली बार बना रहा हूँ। देखिए मौसम बहुत बढ़िया है आज। पहला 5-6 दिन तो गर्मी में पूरा परेशान कर दिया था, जिसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। अभी थोड़ा मूड हुआ है, बारिश चल रहा है, अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है। देखिए धान खेत, ये पैड्डी लैंड कहते हैं, पैड्डी लैंड हम बंगाली में धान कहते हैं, और ये हमारा गांव का ब्रिक्स फैक्ट्री। तो आज मेरे घर में देसी चिकन बनेगा। अगर हम देखिए, देसी चिकन 200 ग्राम का है, 250 ग्राम का शायद, और यहाँ पे मसाला पत्ती चल रहा है सब, उसका तैयारी कुछ ही देर में बन जाएगा। मेरा घर का देखिए बैक फ्रंट, पीछे वाला पार्ट, ये दो घर है। छोटा वाला घर पीछे जो पिछले ज़माने में था, यहाँ पे कोई रहता नहीं, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये बंदा लोग रहता है। और ये है नया वाला घर, सामने उसका हाइट ज़्यादा है लेवल, तो पीछे से यहाँ वाला प्लास्टरिंग नहीं हुआ, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे से अच्छा ही है। तो यह है मेरा घर का फ्रंट पार्ट ऑफ माई हाउस। और ये मेरा ग्लैमर बाइक बहुत सालों से मेरे साथ है, और देखिए बहुत बढ़िया सा है डिजाइन, कलर थोड़ा डैमेज हो रहा है। ये देखिए कांदा, ये है पोटल, ये लहसुन, यह मसाला है, मिर्ची और बहुत सारा चीज़ देसी स्टाइल में से बनाते हैं। बाहर तो मशीन में, अभी मशीन शुरू हो गया है सब जगह पे, और यहाँ पे हमारा देसी स्टाइल में जैसे बनता है, ना गैस सिलेंडर ना कुछ, इसको बंगाली में चूल्हा कहते हैं। चूल्हा दो है इधर, यहाँ पे जो मटेरियल है फ्यूल, इसको वुड फूड वो रहेगा, सब डाल देगा। ये जूट का चीज़ है, ये सब चीज़ जूट का, ये डाल देगा इधर, आग जलेगा और दोनों तरफ से खाना बन जाएगा, गैस सिलेंडर की तरह है दो। देखिए तो ये देखिए पांता भात, बंगाली में इसको पांता भात कहता है, जो चावल रहता है ना, वो चावल बच जाता है तो उसको पानी में डाल के रख दिया जाता है रात को, एंड सुबह को उसको धो के आराम से खाओ। बहुत इम्पोर्टेंट खाना है ये, मतलब तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने भी बोला, एंड रियली मैं आई फील दैट। गाँव में आते तो मैं ये करते हैं, वहाँ पे तो नहीं हो पा रहे। और ये देखिए सब्जी, रात का जो सब्जी था उसको डाल दो थोड़ा इधर, अभी इसको आराम से खाओ, मस्त फीलिंग, टेस्ट एकदम बढ़िया रहता है। तो गाइज अभी मैं जा रहा खेती करने में, मेरा गांव का जो बड़ा खेत है उस तरफ अभी जा रहे। देखिए छोटा सा रास्ता है, एकदम बस पैदल जाएगा, यहाँ पे कुछ गाड़ी फाड़ी जाएगा नहीं, साइकिल जा सकता है। और अभी जूट का खेत चल रहा है, जूट इस तरफ भी जूट है, इस तरफ भी जूट है, जूट का खेती बाड़ी चल रहा है। हम लोग घूमने जा रहे हैं, किसी को दिखा नहीं। तो एक इस तरफ देखिए खेती बाड़ी, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो हमारा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पैड्डी लैंड, जो चावल बनता है, और पैड्डी धान कहते हैं बंगाली में, वो चास हो रहा है अभी उसका। और अभी भी चल रहा है यहाँ पे जूट का, जूट हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, मतलब 1-15 दिन में ये सब निकाल दिया जाएगा, सब काट दिया जाएगा, उसके बाद मतलब कि इसमें पानी में डुबा के इसको पचाया जाएगा, मतलब रॉटन किया जाएगा, उसके बाद इसका जो जूट से जो मेन जूट जिससे हम लोग का कॉटन बनता है, कुछ भी कपड़ा वपड़ा बनता है वो बनेगा। ये भी ये खेत देखिए पटोल का खेत है, पटोल ये खाना है, देखिए इसे मालूम है आप लोगों को जो देख रहे हैं, दिस इज पॉटोल। तभी देखा था कैसे पैड्डी लैंड का चास कैसे होता है, उसको जो चारा होता है कैसे लगाया जाता है। अभी उस टाइम चल रहा है ना, पहले वो लैंड को अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा, देन वो पैड्डी का क्या बोलते हैं पौधा उसको लगाया जाएगा। बहुत दिनों बाद मैं घूमने आ रहा हूँ आज खेत में, लगभग 2 साल बाद, बढ़िया लग रहा है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। ये देखिए पैड्डी का जो पौधा होता है, प्लांट, छोटा छोटा पौधा, इसी ही को लगाया जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, पैड्डी बन जाएगा, चावल बन जाएगा इसमें, दोनों तरफ एकदम जूट का खेत। ये भी देखिए पौधा है, पैड्डी का पौधा है, यहाँ पे मशीन वाटर सप्लाई के लिए, खेती में जब वाटर नहीं रहेगा, अभी तो बारिश का सीज़न है, अभी चलेगा 2-3 महीने बाद जब पानी का शॉर्टेज चलेगा
ये जो मशीन से पानी दिया जाएगा ये सब गाँव में खेती में। तो ये देखिए पैड्डी लैंड, पैड्डी चाश कैसे हो रहा है। छोटा छोटा जो चारा होता है, पौधा होता है, उसको यहाँ पे लगा दिया गया है। अभी ऐसे 3 महीना चलेगा, उसके बाद मतलब चावल आ जाएगा, पैड्डी का जो फ्रूट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पानी सप्लाई करने के लिए यहाँ पे मिनी कहते हैं इसको मशीन, शैलो मशीन, इलेक्ट्रिक यहाँ पे करंट भी है बगल में देखिए, उसके थ्रू पानी को सेच किया जाएगा नीचे से और ये खेती में दिया जाएगा। ये अपन का ही है, मतलब अपना ही है, मेरा फादर चला रहा है और ये लैंड मेरा नाना का है, उसी की खेती में यहाँ पे लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया सा गांव में जब थे तो ये सब काम करना होता था। ये लैंड अपन का है, ये जूट जूट दिखाई दे रहा है ना, 15-20 दिन बाद ये हो जाएगा, निकल आया जाएगा ये सब चीज़। उस तरफ मकना भी है, मकना मकना चाश हो रहा है अभी। तो मेरे पीछे जो पार्ट है इस तरफ खेती का, ये लोअर पार्ट है, यहाँ पे पैड्डी चांस हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे वो जो जूट का खेती बाड़ी नहीं हो रहा था तो पैड्डी जल्दी जल्दी लगाया जा रहा है। और ऊपर पार्ट जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये ऊपर पार्ट में है जहाँ पे जूट लगाया हुआ है, ये देखिए काट दिया हुआ है, इसमें जूट लगाया था यही वाला, उसे कई से लगे यहाँ पर रखा है, जो पत्ता रहे पट में जूट लगा है, काटने के बाद देन उसको प्रिपेयर किया जाएगा ऐसे, फिर उसमें पैड्डी लगाया जाएगा। यहाँ पर करेला ये अपन में आपन की है, मेरा फादर चस कर रहा है इसको, करोला मेरा ठीक से उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, करोला ये सब चास करके चलता है गांव में। खर्ची कम, बहुत कम है, सब कुछ मिल जाता है, मैक्सिमम चीज़ थोड़ा बहुत कुछ खरीदना होता है, उसके लिए बस पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बाकी तो बहुत इजी है लाइफ लिविंग यहाँ का। ये पटोल देखिए, यहाँ पे पौंड है, एक पौंड तालाब कहते हैं जिसको हिंदी में, तालाब। इस तरफ खेती बाड़ी हो रहा है, ऊपर में पेड़ है, बड़ा बड़ा मैंगो ट्री है देखिए, इस तरफ मैंगो ट्री, मैंगो का सीजन ख़त्म हो गया, अभी 2-4 मैंगो मिलेगा, कहीं मिलेगा तो। पेड़ के नीचे बैठने का जो मज़ा बहुत अच्छा है गर्मी में, आराम से बैठ जाओ, लोग खेती जो करता है धूप में 1-1.5 घंटा काम करने के बाद आके यहीं पे बैठते हैं पेड़ के नीचे, पानी पीते हैं, आराम करते हैं। तो ये लोग फीड बहुत है, आप अगर देखेंगे अपेरेंटली लगेगा कि ये लोग बहुत परेशान है, धूप में काम करना होता है, ये करना होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग का बॉडी बहुत फिट रहता है जो लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं गांव में, क्योंकि नेचुरल चीज़ रहता है। लोग 5-6 बजे उठ जाते हैं, सुबह चला जाता है खेती बाड़ी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो फिटनेस बहुत अच्छा है लोग का कंपेरेटिवली हम लोग जैसे मेरे को, ऑफिस में बैठते हैं 9 बजे प्लस 8 बजे तक सोते रहते हैं, तो हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए, बहुत प्रॉब्लम होगा एक टाइम पर जाके, अभी भी शुरू हो ही गया मेरा। चलो पूरा खेती दिखा दिया मेरा गांव का आसपास जितना भी था। ये है हमारा छोटा सा फार्म हाउस, मेरा घर, ये वाला पुराना वाला नया वाला, उसके पीछे ये थोड़ा सा फार्म हाउस देखिए घिरा हुआ है, कुछ आसपास करता है छोटा मोटा, और इधर भी है थोड़ा पेड़ फेड़ लगा हुआ है ट्री, यहाँ पे गोडाउन है, कुछ स्टोर करना है तो भी, सो पहले किया था वो एनिमल पालने के लिए, गाय भैंस, ये भी पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए, पोल्ट्री चास करने के लिए इसको किया गया था, अभी तो फिलहाल बंद है। एकदम मस्त एरिया है, मेरे पीछे घर के पीछे आराम करने के लिए एक पेड़ फेड़ लगा हुआ है, ऐसे फार्म हाउस जिसको कहते हैं, पनभेल सलमान खान का है, अच्छा लगता है सब रहना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाँव में। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए किया गया था, लेकिन पोल्ट्री तो है नहीं, इसीलिए ऐसे पड़ा, एक हास है इधर, मिट्टी डाल दिया था, इंदूर वो होल कर दिया, यहाँ पे स्नेक भी रह सकता है, एक छोटा छोटा होल देखिए इधर यहाँ पे चारा है इसके लिए, गाय भैंस के लिए,
ये गाय भैंस पालना बहुत मतलब अच्छा लगता है। गांव में हर कोई एक दो गाय नहीं तो भैंस पालता है, क्योंकि मिल्क मिल जाता है, अच्छा रहता है घर के लिए वो भी, और कुछ अर्निंग एक्स्ट्रा। एक साल में पल देगा उसके बाद बेच देगा तो डबल हो जाता है एक साल पालने के बाद। कोई भी चीज़ गाय भी लीजिए और भैंस भी, इसीलिए गाँव में ऐसा करता रहता है। और उसके बगल में एक पौंड है, एकदम परफेक्ट है मेरे घर में जो जो चीज़ चाहिए उसके लिए। आप अगर सोचेंगे कुछ नहीं करना होगा तो ऐसे ही चल जाएगा। गाँव में उतना महंगा कुछ है भी नहीं, इसमें आप लगा दीजिए जो खाने पीने का चीज़ यहाँ पे पालने के लिए, वो भी जगह है बगल में, दिखा है आप लोग को उधर उस तरफ एक फार्म है और इस तरफ पौंड भी है, उस तरफ जाते हैं एक बार थोड़ा बहुत हवा चलता है तो बहुत बढ़िया लगता है। ये घर के अंदर नहीं बाहर में बैठने में मज़ा आता है। यह है आप उनका तालाब, इसमें से फिश पला जाता है, तो इसीलिए हमारा घर में मैक्सिमम डेज फिश बन जाता है। 7 डेज में अगर 5 डेज पकड़ लीजिए तो 5 डेज मछली बन जाता है, 1-2 दिन मीट वो बन जाता है मीट, मतलब नॉन वेज ही चलता है। अपना तालाब रहता है तो मछली हमारा बंगाली लोग का फेवरेट होता है, बहुत मछली चास यहाँ पर होता है, पल चास भी होता है यहाँ पर मछली का। ये आप उनका है, ये दूसरे का है। और यहाँ पे जो ट्री दिखाई दे रहा है पेड़, ये भी थोड़ा इस तरफ से थोड़ा एरिया आपन का है, मतलब अपना है। ये भी बहुत महंगा हो जाएगा 2-4 साल बाद, ये जो पेड़ बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो गांव में ऐसा ही चीज़ रहता है सिचुएशन। मेरे घर के बगल का ये सब एरिया है, अब नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो बैठे रहो कुछ भी करो सब कुछ मिला के एकदम बढ़िया सा है। मेरा घर का सिचुएशन आप लोगों को फुल दिखा दिया आज का डेली ब्लॉग में, आज का मेरा ब्लॉग विलेज ब्लॉग में बहुत सारा शॉट मैंने लिया है अपने घर का अगल बगल का, एंड खेत मतलब खेत में ही गया था, अभी वहाँ पे आया है। मेरा घर का फ्रंट पार्ट आपको लेके दिखाना है, तो सब कुछ मिला के हो जाएगा बढ़िया सा ब्लॉग आज का, तो देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करिएगा, आई होप अच्छा लगेगा। जो लोग शहर में रहते हैं तो ये सब चीज़ देखने को अच्छा ही लगता है, मेरे को भी फील होता है। 2 साल से मैं खेत में नहीं गया था, बाहर फील्ड में नहीं गया था, तो आज गया अच्छा लग रहा है फीलिंग। थोड़ा बारिश का सिचुएशन है इसीलिए मतलब वो कचरा कचरा है, अब विंटर सीजन में जाएंगे तो मस्त लगेगा वो सब एरिया, तो विंटर में आएंगे तो उस टाइम पे भी घूमेंगे दिखाएंगे। चलो फिर लेते हैं दूसरा कोई शॉट। देखिए नेचुरल प्रोसेस में हमारा चिकन बन गया है, देसी चिकन, पोल्ट्री नहीं, एकदम देसी चिकन। देखिए यहाँ पे ये फ्यूल जो है ऊट से है, पेड़ का ऊट, उसमें से देखिए आग लगा दिया गया इधर, एकदम गैस सिलेंडर जो है सिस्टम है। इस तरफ चावल बन रहा है और इस तरफ चिकन, अभी हुआ नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लगेगा लग रहा है, उसके बाद मस्त हो जाएगा चिकन। चिकन तंदूरी तंदूरी रोटी बनाना पड़ेगा। तो ये वाला है हमारा पुराना घर जहीं पे हम खाना पीना बनता है, यहाँ पे बैठ जाते हैं, मैं थोड़ा बहुत खाएंगे अभी गरम गरम जो बन गया है चिकन वो खाएंगे अभी, मस्त लगता है। तो पहले से दिखाना चाहिए था कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे से चीज़, बढ़िया लगेगा, गांव में ऐसा ही होता है। ये क्या है, पटल, पटल और बैगन, छोटा छोटा बैगन, इसको काल पेल देंगे इसको। आजा बाबू आजा, इधर आ। तो गरम गरम थोड़ा उठा लिया मैंने चिकन, बहुत गर्मी है, इसको अभी टेस्ट करते हैं हुआ कि नहीं हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं हो गया, हमको तो लग रहा है नहीं हुआ है। एकदम मस्त हो गया, हो गया। पानी वाटर वाटर गरम गरम चिकन का पीस, गर्मी भी बाहर बहुत है, बढ़िया है, देसी चिकन है ये, बहुत हेल्दी है। जो हम लोग पोल्ट्री खाते हैं वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। ये देखिए है मैंगो पिकल, घर का मैंगो, उससे पिकल बनाया गया है, टेस्ट करना है इसको भी। खेटरी खेटा खेटा के सायन सायन
सायन इस्लाम, सायन इस्लाम, सायन इस्लाम, तो ये देखिए हमारा गांव का बच्चे लोग, कामकाज कुछ है नहीं, ऐसे अड्डा मारता रहता है। जब मैं घर पे रहते तो ऐसे करने का मन करता है, जब ड्यूटी पे रहते तो ऐसे मौका नहीं मिलता है, अपना ड्यूटी पर्सनल लाइफ बस बिजी रहता है। दोस्त फ्रेंड है, दोस्त लेकिन ऐसा लाइफ नहीं है वहाँ पे। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।